हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू माई व्लॉग। तो बात ये है कि आज का दिन शुरू हुआ और मुझे याद ही नहीं था कि मैंने व्लॉगिंग करनी है। और उसके बाद सीन ये हुआ कि मामा ने मुझे उठाया, मम्मा कहती उठो जल्दी उठो। मैंने कहा जी मामा, बेटा तुम्हारे पापा ने दूध रखा हुआ है वो लेके आओ, जाओ। मैं अभी वो दूध लेने के लिए आया हुआ था, तो आई जस्ट पुट द दूध इन द डिगी या बूट स्पेस, यू नो। उसके बाद दूध लेने के बाद अब मैं जा रहा था घर, तो भी मुझे याद आया एकदम कि यार आज तो इतना इंपॉर्टेंट डे है, मैं कैसे भूल सकता था। इंपॉर्टेंट डे भूला नहीं था, मुझे ये था कि मैंने आज के दिन व्लॉग करना था, इंपॉर्टेंट व्लॉग, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो वो व्लॉग मैंने कहा चलो अभी से स्टार्ट कर लेते हैं। सुबह सुबह मैं भूल गया था उठ के, वो सारा सीन शीन करके जो आता होता दिखाना होता वो भूल गया था मैं। मैंने कहा चलो रास्ते में जाते जाते शुरू कर लेते हैं व्लॉग। ये अपने जो ऑडियंस है वो बड़ी लेवल की है, वो नहीं माइंड करती कि यार इतने सिनेमैटिक्स नहीं बनाए उठ के, ये वो दिखाए दुखाए नहीं, सिंपल यू नो सिंपल। तो भाई लोग सीन ये है कि मेरा है एक दोस्त तलहा मुस्तफ़ा, उसकी हो रही है आज शादी। तो भाई लोग बात ये है कि शादी हो रही है उसकी और इतनी जल्दी उसकी शादी हो रही है, मैं हो गया हूँ इम्प्रेस, मैं हो गया हूँ फ़ैन, तो उसके बारे में बात करेंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल घर, और उसके बाद ये हमारे ग्रुप में पहला बंदा है मेरे ग्रुप में, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स में, मेरे आई वुड से मेरे स्कूल्स फ्रेंड में, मेरे बचपन के फ्रेंड्स में, मेरे MBBS के फ्रेंड्स में पहला बंदा जिसकी शादी हो रही है। भाई शादी हो रही है यार, वाह। तो भाई आई एम टू मच एक्साइटेड, शादी उसकी एक्साइटेड मैं। तो आज है लीमा 1 बजे और हम पाकिस्तानी हैं, हम 2 बजे जाएंगे और उसके बाद फिर फ्लाइट वगैरह का भी सीन पूछते हैं उन्हें कब जाना है, उनके साथ मिलके प्लान बना के शादी पे जाना है। भाई आज खाबे खाने हैं, मुफ्त के खाने हैं। ओ माई गॉड, मुफ्त के तो नहीं यार, ऐसे मुफ्त के नहीं हुए हैं, पैसे लगते हैं। चलो खैर, कट द स्टोरी शॉर्ट। तो हम वहाँ जाएंगे और कुछ बातें करेंगे आपके साथ और सीन शीन दिखाएंगे। ये पहनने वाले हैं हम, ओके। इम्पोर्टेंट बात यार, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जब भी कोई इवेंट होता है या शादी होती है या अगर कुछ होता है तो यार ये पिंपल्स को कौन बताता है कि यार तुम लोगों ने आना है यार। लाइक मतलब तुम्हें क्या मसला है, तुम लोग एक दिन पहले आ जाओ, एक दिन पहले नहीं 2 दिन पहले आ जाओ, 2 दिन बाद में आ जाओ, या उसी दिन क्यों आना होता है यार। कल तक ठीक था, कुछ भी नहीं था, ये यहाँ पे आ गया है, नज़र नहीं आ रहा इसकी रिंग लाइट का कमाल है, लेकिन ये साथ में यहाँ पे भी एक पिंपल है और एक यहाँ पे भी, और इतना गंदा लग रहा है रियल में, मैं बता नहीं सकता। यहाँ पे पता नहीं रिंग लाइट ने कमाल किया हुआ है, रियलिटी में तो पता नहीं कैसी शक्ल होगी मेरी, लेकिन बहरहाल यहाँ पे 2 पिंपल आ गए, एक ये और एक ये। यार मुझे समझ नहीं आ रही ये पिंपल्स को बताता कौन है कि यार आज इसका इवेंट है, आज जल्दी जल्दी निकलना है, इसको इसको तंग करना है आज जाके, इसकी इसकी शक्ल की सारी मत मार देनी है, इसके जो सारी जो इतने दिनों से तुम नहीं निकले थे आज निकलो, आज का इवेंट है यार। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कुछ तुम्हें शर्म है, कुछ कुछ शर्म आया है, मतलब यार कैसे पिंपल हो तुम लोग, तुम्हें वो समझ ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कब निकलना है, ऐसे मुंह उठा के निकल आते हो। कोई परमिशन लेनी होती है, कोई लेटर लिखवाओ, कोई मुझसे कोई परमिशन लो फिर निकलो, ऐसे बदतमीजियों की तरह खुद ही आ जाते हो मुंह उठा के बिन बुलाए मेहमान की तरह। अजीब जाहिल है, अजीब, व्हाट द हेक मैन। तो भाई लोग कपड़े वगैरह डिसाइड कौन से पहनने हैं और बाकी सब लोग भी ऐसे ही पहन रहे हैं, साथ स्कीम हमारी साथ में मिल जाएगी थोड़ी बहुत रेहान और फाइक के साथ, रेहान के साथ तो मिल जाएगी, फाइक का नहीं पता, फाइक के एक वो जगह गया हुआ है कहीं। तो बात तो सीन ये है कि अब
अब मैंने होने फ्रेश हूँ कि मैं सुबह से उठ के मैंने नमू धोया ना, मैंने कुछ नहीं किया, अब नहाते जाते हैं, ज़रा कुछ शावर शावर लेते हैं, उसके बाद फिर तैयारी श्यारी करते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं। हाँ, और एक और बात यह है कि मामा भी साथ जाएंगी, क्योंकि ये मेरा फैमिली फ्रेंड है, तो मामा जो है उसकी मामा उसके दोस्त हैं और ये वो सारा सीन है, तो मामा भी साथ जाएंगी। और मम्मा ने तैयारी करते हुए देर लगा देनी है और मुझे देर हो जानी है, उसने कहा था 1:30 बजे आ जाना, 1 बजे का टाइम था, 1:30 बजे उसकी कॉल आई कि आ जाना, हमने जाना था 2 बजे। अब देखते रेडी नाउ लेट्स गो ब्रो। ओ भाई लोग, तो हो गए हम रेडी और हम जा रहे हैं, आप निकलने लगे हैं, देखते हैं मम्मा रेडी हुई है कि नहीं हुई, और अगर मम्मा रेडी हो गए तो हम निकलने लगे हैं और लेट्स गो। भाई आपको हो गया रेडी, चीज़ें चीज़ें उठा ली हैं और हम लगे हैं जाने, और लेट्स गो। मामा मामा, अच्छा मम्मा इज गेटिंग रेडी, ओके। गाड़ी हो गई है ऑन, हैंडसम लग रही हूँ मैं, हैंडसम मैन। 2000 years later। हाँ जी, आ गई हैं, हम निकलने लगे हैं। मार्केट पे और एज यूजल देर हो गई है मम्मा की वजह से, देखते हैं क्या सीन। भजन खाबा सीन जारी है, सबसे आखिर में लगे हुए हैं ये फाइक साहब और रेहान साहब, और वो खड़े हैं दूल्हा साहब। चलो भाई, कैसे हुई आपकी शादी? यार ये ऐसे चलो भाई, ये वलीमा है या खाना है? वलीमा है, पक्की बात जी। मुबारक हो यार, फिर तो भाई का वलीमा खाया यार। यार ये बंदा देखो, मैं आपको वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग मेडिकल फील्ड में पढ़े होते हैं, मैं जाके बात करूँगा। ये बंदा बिजनेसमैन है, 21 साल में शादी करवा रहा है, कुछ सीखो यार। क्या तुम मेडिकल फील्ड के पीछे पड़े हुए हो? बिजनेस करो बिजनेस। ये भाई ये जज कर रहे हैं। हम आ गए हैं जी वली में से, मम्मा चली गई हैं और थक गए यार बहुत, थोड़ा सा थक गया, ज़्यादा नहीं थके ऐसे, हमेशा थक जाता हूँ मैं तो, अच्छा थका तो नहीं था। अब हम करेंगे बात, भाई बात ये है कि मैं बात ही करना चाहता था कि यार देखो, बात सुनो, अक्ल से सोचो यार, जितने भी लोग हैं ये
जो बिजनेस मैन होते हैं उनका बड़ा फायदा होता है यार, पाकिस्तान को बिजनेस मैन लोगों की जरूरत है। क्यों तुम मेडिकल फील्ड के पीछे पड़े हो? हर बंदा, हर तीसरा बच्चा जो कहता है, कहता है हमें मेडिकल फील्ड में जाना है, हमें डॉक्टर बनना है। यार देखो मेरी बात सुनो, पहले ही मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है, बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बन रहे हैं, जिसकी वजह से हमें मसला होगा, हमारी जॉब नहीं मिलेगी, हमें प्रॉब्लम होगी ना। तुम लोग तो आ जाओगे मुँह उठा के, इसलिए तुम ना आओ, तुम लोग बिजनेस करो। बिजनेस बहुत अच्छी बात है, देखो बिजनेस करोगे तुम्हें फ़ौरन शादी हो जाएगी तुम्हारी, अभी वो 22-23 साल का, 21 साल का, आई डोंट नो द रियल फिगर, बट उसकी शादी हो रही है यार, चेक करो तुम्हारे पास कितनी अच्छी बात है, हूरें मिलेंगी, ओ मेरा मतलब है कि शादी होगी तुम्हारी। उसके बाद क्या कहते होते हैं, और हम अगर तुम MBBS करोगे, अगर मुझे ले लो, मेरी मिसाल है, मेरी 21 ईयर एज हो चुकी है, फिर मेरी अब 4 साल मेरे MBBS को लगेंगे, और तो कितनी हो जाएगी 25 के बाद हो जाएगी, फिर एक साल हाउस जॉब 26 के बाद, एक साल बाद मेरी होगी जॉब, जब हाउस जॉब के बाद जॉब होगी, सेटल होऊंगा, फिर जाके मेरी शादी होगी 5-6 साल बाद। और यहाँ पे अगर आप कर लेते हो, क्या कहते होते हैं, बिजनेस करते हो, चट मंगनी पट ब्याह और मजे भाई, स्वैग है तुम्हारा भाई। डॉक्टर बनना, ये वाइट कोट पहनना बहुत मुश्किल काम है, छोड़ो पड़े, ज़िंदगी भी जलालत हो जाती है। हाँ अगर तो मुझे लोग कहेंगे यार तुम क्यों इतना डीमोटिवेट करते हो मेडिकल के लिए, यार मैं डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रहा, अगर मैं डीमोटिवेट करना होता तो मैं खुद डॉक्टर क्यों बन रहा होता। आई लव बीइंग डॉक्टर, बट द थिंग इज़ दैट कि अगर आपके पास डिवोशन है, अगर आप कुत्ते की तरह झील हो सकते हो, अगर आप गधे की तरह लगातार पढ़ सकते हो, आई वुड से दैट कि बहुत पढ़ना पड़ता है और बहुत सब कुछ करना पड़ता है, अगर कर सकते हो तो मोस्ट वेलकम। मतलब बाद में खासतौर पर लड़कियाँ ऐसे करती हैं, लड़कियों के लिए मेरे खास पैगाम है यार, क्या मतलब इतना पढ़ते हो तुम लोग, इतना पढ़ने के बाद तुम लोग मेडिकल फील्ड में आते हो, फिर क्या कहते हैं तुम लोग इतनी 70% जो होती हैं लड़कियां होती हैं एक क्लास में, और 30% लड़के होते हैं, तुम लोग सीट्स भी जाया करते हो, लड़कों का हक भी खा जाते हो, फिर बाद में तुम लोगों ने शादी करने के बाद जो सर्व करना नहीं होता है नेशन को, तुम लोगों ने घर बैठ जाना होता है भाई, तुम लोग फिर कौन सा, अगर तुमने घर ही बैठना शादी करो तो घर बैठो, मेडिकल फील्ड में घुसने का फ़ायदा, उससे अच्छा यही कि तुम किसी लड़के को आगे आने दो। एक क्लास में 70% लड़कियां होती हैं पब्लिक सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर में 60%, मतलब एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 60 लड़कियां होंगी, 40 लड़के होंगे, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा पढ़ने वाली हैं ये कह सकते हैं, या ज़्यादा मेहनती होती है, उनको कोई और काम नहीं होता, उन्हें बस पढ़ना होता है, सोना होता है बस। तो किस्सा मुख्तसर, ये बिजनेस में पैसा भी कमाओ, याशी करो, ना कोई टेंशन, ज़िंदगी चिल करके गुजारो, ना कोई मसला नहीं तुमने वार्ड में जाना है, कोई मसला नहीं तुमने क्या रोटेशंस करवानी है, कोई मसला नहीं तुमने हाउस जॉब करनी है, सुबह झलील होना है, 72 घंटे की ड्यूटीज़ करनी है, पूरा पूरा वीक तुमने लगातार एक ही उसमें रहना है, जॉब में घर का मुँह नहीं देखना, पूरी पूरी कॉल्स करनी है, चिल सीन है, बिजनेस करो, सुबह जाओ ऑफिस, दोपहर को आ जाओ, 11 बजे जाओ, 12 बजे जाओ, छुट्टियाँ करो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, पढ़ना तुमने वैसे ही नहीं है, बिजनेस करने के लिए BBA कर लोगे मैक्सिमम, नहीं भी करोगे बिजनेस वैसे भी हो जाता है, बिजनेस के लिए बस माइंड होना चाहिए, पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है, तो बिजनेस करो, जॉब्स बांटो, एज आवर PM सेड, PM के बारे में नाम लेते बंदा डरता है कि आजकल तो वैसे बड़ी जलील किया हुआ PM ने और PM को भी लोगों ने। और तो फिर ठीक है भाई, व्लॉग आगे और कुछ नहीं है, इसी को एडिट करूँगा, इससे और तो कुछ भी नहीं करना मैंने, अब जाके चेंज करेंगे और एडिट करेंगे और मज़े करेंगे, और कुछ भी नहीं, अगर कुछ हुआ तो दिखा दूंगा, नहीं तो हम व्लॉग करेंगे यहीं पर एंड। So, thank you.